हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं IRF स्टूडियो चैनल। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बैक का कटिंग देखा था, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बैक का कटिंग दिखाया था। इस वीडियो में फ्रंट और साइड पीस का कटिंग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट वन में मैंने आपको बैक कटिंग करके दिखाया था, इसमें चलिए हम आपको फ्रंट कट करके दिखाते हैं डबल ब्रेस्ट की। ये जो हमारा मार्किंग है, इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है दूर तक। तो इस तरह आपको स्ट्रेट कर लेना है। तो मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से देखिए 2.25 इंच पे हम मार्का लगाएंगे। 1 इंच 3/4, 2.25 इंच आपको मार्का लगाना है। ये हम डबल ब्रेस्ट के लिए लगा रहे हैं 2.25 इंच। इसका जो चेस्ट है वो 42 है, 42 इंच, 42 में आपको 2.25 इंच लगाना है। और 42 चेस्ट के बाद, यानी 42 इंच के बाद, इससे ज़्यादा चेस्ट रहेगा तब आपको 2 इंच लगाना है। उसके बाद इस मार्किंग को हम स्ट्रेट स्केल से स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। ये मार्का स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले हम चेस्ट से स्टार्ट करेंगे। इसका जो सीना है, इसका चेस्ट है 42 इंच है, तो 42 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 10.5 इंच, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो ये आपको 10.5 इंच यहाँ लगा लेना है। ये देखिए, ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, ये इस वाले मार्किंग से कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाले से नहीं, ये जो सेकेंड वाला मार्का है, ये वाला मार्का, इससे आपको मार्किंग लगाना है। तो ये देखिए, हमारा चेस्ट 42 है, 42 का चौथा हिस्सा हमने लगाया 10.5 इंच, और यहाँ से 1/4 इंच हम माइनस कर देंगे, 1 इंच 1/4 माइनस। 42 चेस्ट में आपको 1/4 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद ये जो हमने माइनस किया है, यहाँ से 2 इंच आपको लगाना है। देखिए, 2 इंच आपको यहाँ से एक मार्का लगाना है। फिर आपको इस मार्किंग को नाप लेना है स्ट्रेट करने के लिए। देखिए, 1/4 इंच है, तो ये 1/4 इंच हम यहाँ भी लगाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, फिर यहाँ हम चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे 10.5 इंच, 42 चेस्ट है, तो 10.5 इंच आपको यहाँ भी लगा लेना है, और 10.5 आपको यहाँ भी लगा लेना है। उसके बाद इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देना है स्ट्रेट स्केल से, इस तरह स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग को भी आपको स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ हम वेल्स पॉकेट यानी वॉलेट का मार्का लगाएंगे, तो यहाँ से 1/4 इंच आपको लगाना है। और फिर यहाँ से इसका चेस्ट 42 है, 42, तो 42 में हम 1/4 इंच लगाएंगे, 4 इंच 1/4। और फिर इसका एक 20 सेंटर कर लेंगे, तो 1/4 का एक आधा करेंगे तो 2 इंच 1 सूत, यानी 2 इंच 1 पॉइंट। यहाँ से 1/2 इंच ही आपको ऊपर मार्का लगाना है, और यहाँ से आप 1 इंची में 1 सूत कम, या फिर 1 इंच भी लगा सकते हैं। मैं 1 इंच में 1 सूत कम लगा रहा हूँ, तो इस तरह आपको लगा लेना है। उसके बाद इस मार्किंग को आपको देखिए स्ट्रेट कर लेना है ऊपर की तरफ। फिर यहाँ इस मार्किंग को इस मार्किंग में ला के मिला देना है इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा वेल्स पॉकेट का मार्किंग रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ आना है नीचे लेंथ में, तो यहाँ से 1/4 इंच 3/4 आपको नीचे मार्किंग लगाना है। उसके बाद जितना हमारा लेंथ है, उसका तीसरा हिस्सा करना है, यानी कि लेंथ को 3 से डिवाइड करना है। लेंथ हमारा 30 है, 30 इंच, 30 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा, 10 3 जो 13, 10 3 30। तो लेंथ का तीसरा हिस्सा आपको यहाँ लगा लेना है, और यहाँ हमारा फर्स्ट काजा आएगा। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर आपको एक मार्का लगाना है, 1/2 इंच ऊपर इस तरह से। उसके बाद हम ये 20 सेंटर नाप लेंगे। ये जो हमारा वेल्स पॉकेट का जो 20 सेंटर है, इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये 5.5 इंच है, तो यहाँ भी हम 5.5 इंच इस काजा का बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंच अंदर आपको एक मार्का लगाना है इस तरह से। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको इस काजा का बिल्कुल स्ट्रेट पॉकेट के लिए मार्का लगाना है। देखिए, इस तरह से हम मार्किंग लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से 3/4 1/4 इंच आपको पेड डाट के लिए मार्किंग लगाना है, और फिर इस तरह से इस मार्किंग को भी लगा देना है। उसके बाद ये हमारा ये मार्का और ये मार्का, इसको आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये जो स्ट्रेट करना है, ये स्ट्रेट मार्का, ये जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है, इससे 2.5 से 3 इंच आपको मार्किंग ऊपर ही रखना है इस तरह से। उसके बाद देखिए, यहाँ से आप 2.5 से 3 इंच लगाइए, इसमें हम 2.5 इंच लगाते हैं, 2.5 इंच। उसके बाद यहाँ हम फ्लाप का मार्का लगाएंगे। इसका चेस्ट 42 है, 42 में हम फ्लाप 2 इंच का देंगे, तो यहाँ 2 इंच का आप मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद इस मार्किंग को भी हम इस तरह स्ट्रेट कर देंगे, और यहाँ भी हम इसको इस तरह स्ट्रेट कर देंगे। देखिए, ये हमारा फ्लाप का मार्किंग हो गया,
उसके बाद शेप स्केल से ये जो हमारा लास्ट वाला मार्किंग है इसको आपको इस तरह शेप करना है। तो इस तरह से शेप नहीं करना है आपको, इस वाले अंदर की तरफ से आपको इस तरह ये शेप कर देना है। ये शेप करने के बाद आप देखिए यहाँ से हाफ इंच में मार्क लगाना है, आधा इंच पे, और यहाँ से 4.5 इंच 4.5 में आपको ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद इस मार्किंग में आपको इस तरह शेप करना है। उसके बाद यहाँ ये देखिए इसको हमको बीच सेंटर कर लेना है। ये जो हमारा मार्किंग है ये वाला स्टेट, इसको आपको बीच सेंटर कर लेना है, यानी इसका हाफ कर लेना है, आधा कर लेना है। ये 9.25 है, 9.25 का हम हाफ करेंगे तो 4.5 इंच 1 पॉइंट, यानी 4.5 इंच 1 सूत। उसके बाद आपको यहाँ से 3/4 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग लगाना है। उसके बाद देखिए स्टेट स्केल से आपको ये जो अंदर का हमने 1/2 इंच लगाया है और ये काजा से 1/2 इंच ऊपर जो मार्किंग है, इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। इस तरह स्ट्रेट करने के बाद यहाँ भी आपको 1/2 इंच 3/4 मार्किंग लगा लेना है, और उसके बाद इस मार्किंग को भी नीचे तक आपको स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर मार्किंग लगाना है, 1/2 इंच, ये 1/2 इंच ऊपर आपको मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रेट वाला मार्किंग है यहाँ से आपको 2 इंच पर मार्किंग लगाना है, 2 इंच पर। SB2 बटन में मैंने आपको 1.5 इंच बताया है, तो SB2 बटन में 1.5 डेढ़ इंच लगाना है। DB कोड में यानी डबल ब्रेस कोड में आपको ये 2 इंच ऊपर से डाउन करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से आपको 3.5 इंच 3.5 पे मार्किंग लगाना है। SB2 बटन कोड में मैंने आपको 3 इंच बताया है, 3 इंच ये डबल ब्रेस्ट है, डबल ब्रेस्ट पीक लेपल कोड में आपको 3.5 इंच डाउन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको स्ट्रेट, जो हमने मार्किंग 3.5 इंच डाउन किया है, यहाँ से स्ट्रेट आप जितना ब्रॉड यानी जितना चौड़ा लेपल देंगे उतना आपको मार्किंग लगाना है। हम इसमें 3 इंच दे रहे हैं, 3 इंच आप ये अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम 3 इंच ब्रॉड दे रहे हैं। उसके बाद आपको इसका एक बीच सेंटर कर लेना है, जैसे कि ये 3 इंच है, इसका एक बीच सेंटर करेंगे तो 1.5 इंच यानी 1.5, तो इस तरह मार्क लगा लेना है। उसके बाद देखिए शेप स्केल से आपको इस तरह से इसको शेप करना है। तो इस तरह ये शेप जो आपको मार्किंग जो करना है ये आपको ऊपर तक लेकर आना है इस तरह से। उसके बाद देखिए ये जो हमने मार्का लगाया है इसको आपको यहाँ तक स्ट्रेट कर लेना है, ये जो बीच सेंटर हमने किया है यहाँ तक आपको स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारा बीच सेंटर है, बीच सेंटर में आपको इस तरह मेजरमेंट आपको रखना है और जितना पिक लगाना है उतना आप लगा देंगे। ये हमारा चेस्ट 42 है, तो 42 में हम इसमें 2 इंच पे लगा रहे हैं, हमने 3 इंच ब्रॉड दिया है, तो 2 इंच पे इस तरह आपको ये मार्किंग लगा देना है। आप ये 1.25 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 2.25 भी लगा सकते हैं, तो हम 2 इंच पे लगा रहे हैं। उसके बाद आपको देखिए इस मार्किंग को आपको इस तरह स्ट्रेट कर लेना है, इस तरह से आपको इसमें लाके मिला देना है। उसके बाद देखिए इस मार्किंग को और इस मार्किंग को आपको मिला देना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह आपको मिला देना है। उसके बाद देखिए ये हमारा फाइनल मार्किंग है, आपको इसमें मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। तो वो कैसे कटिंग करना है जब मैं कटिंग करूँगा तब आपको दिखा दूँगा। अब देखिए आप यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे, ठीक है, 1.25 इंच आपको इस तरह मार्का लगा लीजिए और इसको आप थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। तो दोस्तों आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ हमने 1/2 इंच ऊपर मार्किंग लगाया हुआ है, तो ये 1/2 इंच हमारा ऊपर से कटिंग होगा, और यहाँ हमने 1.25 इंच पर मार्क लगाया है, तो यहाँ 1/2 इंच ऊपर और ये 1.25 इंच, तो ये टोटल 2.25 इंच हो गया। आपको टोटल में 2.25 से लेकर 2.5 इंच तक डाउन करना है, तो आप यहाँ 1.25 से लेकर 2 इंच तक डाउन कर सकते हैं। हम 1.25 इंच ही करेंगे, तो आप 1.25 से लेकर 2 इंच तक डाउन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए आपको बैग लेना है, बैक को इस मार्किंग में, ये जो हमारा ऊपर मार्किंग है आपको इस तरह रखना है, और यहाँ इस मार्किंग में इस पॉइंट को इस मार्किंग में रखना है, और यहाँ से 2 पॉइंट कम यानी 2 सूत कम आपको मार्जिन लगाना है। ये 2 सूत कम हमको इसलिए मार्जिन लगाना है क्योंकि हमारा बैग में फुलनेस आएगा यानी इसमें धमक आएगा। उसके बाद आपको इस मार्किंग को शेप स्केल से इस तरह शेप कर देना है, ये देखिए इस तरह आपको शेप कर देना है। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ नीचे से 2.5 इंच पर आपको मार्का लगाना है, आप ये नीचे से 2.5 इंच पर लगाइए या ऊपर वाले मार्किंग से 1 इंच पर लगाइए, इस तरह आपको लगाना है। उसके बाद आप इसको राउंड कर दिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको ये राउंड कर लेना है। उसके बाद ये मुंडा स्केल से आपको इस तरह से आपको इसमें ला के मिला देना है। आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इस स्केल से भी कर सकते हैं। इस स्केल से कैसे करना है ये मैंने SB2 बटन कोड में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, नॉच लेपल कोड में। अगर आपको देखना है तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ बटन का मार्का लगाएंगे। बटन का मार्का आपको कैसे लगाना है, जैसे कि ये हमारा 2.25 इंच है, तो ये जितना है इससे 0.25 इंच आपको यहाँ ज़्यादा लगाना है 3/4। तो ये देखिए 2.25 इंच और 3/4 हम ज़्यादा करेंगे तो ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो इस वाले मार्किंग से आपको यहाँ 2.5 इंच पर मार्का लगाना है और यहाँ आपको बटन का मार्का लगा देना है। उसके बाद ये जो हमारा टेकिंग का मार्किंग है, इसमें आपको मेजरमेंट टेप को रखना है और इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये 9.25 है तो इसका एक 20 सेंटर कर देंगे। 9.25 का हम आधा करेंगे तो 4.5 में 1 पॉइंट कम, तो यहाँ भी आपको एक इस तरह मार्किंग लगा देना है। अब ये देखिए, ये हमारा 3 बटन इस तरफ आएगा और 3 बटन हमारा उस वाले फ्रंट में आएगा। टोटल ये 6 बटन का आएगा। ब्रिजभूषण बिजलवान लिखते हैं, इरफान भाई प्लीज़ डबल ब्रेस्टेड 6 बटन सूट की कटिंग की वीडियो भी लोड कर दीजिए। आपके वीडियो से कटिंग बहुत सिंपल लगती है क्योंकि आप बहुत आराम से और इजी तरीके से समझाते हो। थैंक यू सो मच। तो आप देख लीजिए, ये 6 बटन का है, 1, 2, 3, तो 3 बटन हमारा इस फ्रंट में आएगा और 3 बटन हमारा उस फ्रंट में आएगा। टोटल ये 6 बटन का आएगा। ये डबल ब्रेस्ट कोट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ हमारा 42 साइज का ये कोट है और ये डबल ब्रेस्ट है, तो यहाँ इसमें एक ही साइड पीस आएगा। तो आपको इसको खोल लेना है इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने खोल के इस तरह फोल्ड कर लिया है। इसमें हमारा एक ही साइड पीस आएगा। इसका दूसरा साइड पीस जो है स्लीव कट करने के बाद, यानी बाजू कट करने के बाद, फिर हम उसको रख कर छाप लेंगे दूसरा वाला। उसके बाद देखिए, यहाँ से ये जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है, इससे आपको 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ से 4.25 इंच पे आपको मार्का लगाना है इस तरह से। ये जो मार्का लगाना है हमारा, ये वाला जो मार्किंग है इससे लगाना है, इससे नहीं। ये वाला हमारा मार्का है, इससे आपको 4.25 इंच लगाना है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप टाइट फिटिंग यानी स्लिम फिट कटिंग कर रहे हैं तब आपको 3.5 इंच लगाना है। मीडियम फिटिंग कटिंग कर रहे हैं तो आपको 4.25 इंच लगाना है। और अगर आप लूज फिटिंग कर रहे हैं तब आपको 4 से 4.25 इंच लगाना है। हमारा ये मीडियम फिटिंग है तो हम इसमें 4.25 इंच पर लगा रहे हैं। अब आपको बैक ले लेना है। बैक में देखिए, आपको बैक लेने के बाद ये आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये वाला जो मेजरमेंट आपको इससे 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको मेजरमेंट कर लेना। देखिए ये 7.25 इंच है, ये देखिए 7, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 7, 3, 4। तो ये 7.25 इंच है। इस 7.25 इंच को आपको इस तरह पकड़ लेना है या छोड़ देना है, देखिए हमने आपको लिख के दिखाया है। अब देखिए दोस्तों, इस मार्किंग को आप एक बार स्ट्रेट कर लीजिए। ये जो हमारा मार्किंग है इसको आपको इस तरह से आप स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये 7.25 इंच हमने आपको लिख कर दिखाया है, तो ये 7.25 इंच को आपको इस तरह से पकड़ लेना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से आपको 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये 7.25 इंच है, तो ये 7.25 इंच हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया है, तो 7.25 इंच को आप इस तरह पकड़ लीजिए। और ये जो हमारा मार्किंग है, इसमें जितना हमारा हिप है उसका आधा कर दीजिए, यानी उसका हाफ कर दीजिए। हिप हमारा 43 है, 43 का हम हाफ करेंगे तो 21.5 इंच, 21.5, तो आपको इस मार्किंग में रख देना है। और ये 7.25 इंच आपको यहाँ मार्किंग लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको इस मार्किंग को मेजरमेंट कर लेना है, नाप लेना है। ये 17.5 है, 17.5। उसके बाद आपको यहाँ भी 17.5, 17.5 पे इस तरह रख लेना है। जितना हमारा ये है उतना आपको यहाँ भी रखना है इस तरह से। और जितना हमारा हिप और स्टमक, यानी हिप और पेट में जितना गैपिंग है उसका 1/4 हिस्सा आपको यहाँ माइनस कर देना है। हिप हमारा 43 है और स्टमक हमारा 39 है, तो 4 इंच का फ़र्क है, तो 4 इंच का 1/4 हिस्सा आएगा 1 इंच। तो आपको इस तरह 1 इंच माइनस कर देना है। जितना हिप और पेट में गैपिंग है उसका 1/4 हिस्सा, यानी उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ आपको माइनस कर लेना है। अगर पेट ज़्यादा है और हिप कम है, यानी कि स्टमक ज़्यादा है और हिप कम है, तो आपको उसमें किस तरह मार्किंग लगाना है, किस तरह माइनस करना है, वो मैंने आपको टैक्सीडो सॉल नेपल कोड में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वीडियो के लास्ट में, मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए 17.5 इंच आपको यहाँ भी लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से आपको लगा लेना है। एक बार फिर आप समझ लीजिए, ये हमारा मार्किंग जो है ये मेजरमेंट कर लेना है। ये 17.5 है, 17.5, तो यहाँ भी आपको 17.5 पे रखना है। और हिप और पेट में जितना गैपिंग है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, उसका 1/4 हिस्सा माइनस कर देना है, जितना आएगा आपको यहाँ लगा देना है। उसके बाद आपको 17.5 आपको यहाँ भी रखना है और यहाँ आपको 17.5 पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये वाला जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है, यहाँ से आपको 4.5 से 5.5 इंच आपको यहाँ लगाना है। तो मैं यहाँ 4.5 इंच लगाऊंगा। 4.5 इंच आपको यहाँ तब लगाना है, यानी 4.5 इंच आपको यहाँ तब लगाना है जब आपको आर्मोल थोड़ा टाइट चाहिए। अगर आर्मोल फ्री चाहिए तब आपको यहाँ 4.5 इंच लगाना है इस तरह से। उसके बाद आपको बैक ले लेना है और बैक का इस तरह ये मेजरमेंट कर लेना है।
ये देखिए ये हमारा 9 इंच है, 9 इंच, तो ये 9 इंच आपको इस तरह पकड़ लेना है, और जितना हमारा चेस्ट है उसका हाफ करना है, चेस्ट हमारा 42 है, 42 का हम हाफ करेंगे 21 इंच, 21, तो यहाँ इस तरह, ये जो हमने यहाँ से 4.5 इंच लगाया है, यहाँ 21 इंच हम इसमें रख देंगे, हिप का आधा यहाँ रख देंगे, इस तरह रख देंगे, और यहाँ हम 9 इंच पर मार्किंग लगा लेंगे ये इस तरह से। उसके बाद देखिए ये आपको मेजरमेंट कर लेना है कि ये कितना है, ये हमारा 1 इंच में 1 पॉइंट कम है, ये जितना है उतना आपको यहाँ लगाना है, 1 इंच से अगर ये कम है तब आपको यहाँ 1 इंच लगाना ही लगाना है, यहाँ पर 1 इंच से कम आपको नहीं लगाना है। तो ये देखिए 1 इंच में 1 पॉइंट कम है, फिर भी हम यहाँ 1 इंच ही लगाएंगे, 1 इंच, 1 इंच से कम आपको यहाँ नहीं माइनस करना। अगर यहाँ 1 इंच से ज़्यादा होता, यानी कि 1.25 इंच होता, 1.5 इंच होता, 1.25 इंच होता, 2 इंच होता, तो ये जितना होता उतना हम यहाँ लगाएंगे। अगर 1 इंच से कम है, जैसे कि ये हमारा 1 इंच में 1 पॉइंट कम है, यानी 1 इंच से 1 सूत कम है, तो हम यहाँ 1 इंच लगाएंगे, यहाँ कम से कम आपको 1 इंच लगाना ही है, 1 पॉइंट कम है, 1 सूत कोई मायने नहीं रखता, तो 1 सूत चलेगा। अगर ये 1 सूत से ज़्यादा कम होता, यानी कि अगर ये 0.25 इंच होता, तो हम यहाँ 1 इंच लगाते और 2 सूत यहाँ बढ़ा लेते हैं। अगर ये 0.5 इंच यहाँ गैपिंग आता, तो हम यहाँ 1 इंच लगाते और यहाँ से 0.5 इंच बढ़ा लेते हैं। तो 1 इंच से यहाँ जितना कम होगा, यहाँ आपको 1 इंच लगाना है, और जितना कम है वहाँ आपको यहाँ से बढ़ा लेना है। हमारा 1 सूत कम है, 1 पॉइंट कम है, तो 1 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता, 1 पॉइंट चलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको शेप स्केल से इस मार्किंग में इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको शेप कर लेना है, फिर इसको इस तरह पलट देना है, और ये पलटने के बाद देखिए ये वाला जो हमारा मार्किंग है, आपको इस तरह से इस तरफ से शेप नहीं देना है, आपको इस तरफ से शेप देना है, आपको इस तरह शेप देना है, ये देखिए। उसके बाद इसको पलट के, और ये थोड़ा दूर जो है यहाँ आपको इस तरह लगा लेना है। उसके बाद देखिए ये जो हमने 1 इंच में मार्किंग लगाया है, आपको इस तरह से ये दोनों का देखिए, यहाँ इसका 20 सेंटर में आपको स्केल को इस तरह रखना है, और यहाँ आपको इस तरह मार्किंग लगा लेना है, फिर आपको स्केल पलट लेना है, और ये पलटने के बाद यहाँ भी आपको देखिए इस तरह इसमें ला के मिला देना है। ये मिलाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ हमने 3/4 पौना इंच पे डैट निकाला है, तो यहाँ भी आपको 3/4 पौना इंच पे मार्का लगाना है। उसके बाद इस मार्किंग को आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से थोड़ा दूर तक, और फिर आप इसको इस तरह राउंड कर दीजिए ना है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ हम 8 इंच पे मार्का लगाएंगे, ये 8 इंच हम जो हमने कट का मार्का लगाया है बैक में वो लगा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा बैक है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए ये जो हमारा मार्किंग है, ये देखिए 8 इंच है, तो ये 8 इंच आपको यहाँ इस तरह लगा लेना है। ये 8 इंच लगाने के बाद यहाँ आपको देखिए, यहाँ 2 इंच लगाना है 2 इंच, और यहाँ पर 2.5 इंच लगाना है 2.5 इंच। उसके बाद आपको स्ट्रेट स्केल से इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ भी आप इसको स्ट्रेट कर लीजिए, और यहाँ देखिए हमने इसमें 1 इंच मार्जिन दिया है, तो यहाँ भी हम 1 इंच पे मार्का लगा देते हैं, और इस मार्का को भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको रख के दिखाता हूँ, इस तरह आपको यहाँ रखना है। ये देखिए ये हमारा इसमें स्टिच होगा इस तरह से, और ये देखिए ये इस तरह से, इस तरह से ये मार्किंग में ही आएगा, फिर हम इसको रख देंगे। और उसके बाद आप देखिए, ये जो हमने 0.25 इंच 3/4 नीचे वाला मार्किंग है इस मार्किंग में, और यहाँ ये इस वाले मार्किंग में, यहाँ नहीं आपको इस वाले मार्किंग में इस तरह से स्ट्रेट स्केल को रखना है, और ये मार्किंग आपको इस तरह स्ट्रेट कर देना है। ये वाला ऊपर वाला जो मार्किंग है इसको कट कर देना है, ये हमारा मार्किंग कैंसिल हो गया, हमारा ये फाइनल मार्किंग है। यहाँ हम मार्जिन देंगे जितना हमने बैक में दिया था, उतना आपको फ्रंट में भी आप इस तरह मार्किंग कर लीजिए, और फिर इसको भी आप स्ट्रेट कर दीजिए स्ट्रेट स्केल से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्किंग पूरी तरह से रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको लेंथ मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा 0.5 इंच 0.5 इंच स्टिच में जाएगा सिलाई में, तो ये देखिए 0.5 इंच हमने छोड़ दी। इसके बाद लेंथ हमारा 30 इंच है, 30 इंच, तो ये देखिए 30 इंच, ये 30 इंच, 30 इंच ये रेडी आएगा। नारेंद्रन नारेंद्रन लिखते हैं, हेलो इरफान भाई, आई एम फ्रॉम ऊटी तमिलनाडु, थैंक यू द वीडियो ऑफ द कोट कटिंग 40 इंच, आई फॉलोड एंड ट्राई द साइज 42 इंच कोट, इट वॉज एब्सोल्युटली सुपर। फ्रेंड, जो भी मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ वो मैं आपको एक एक फार्मूले के साथ दिखाता हूँ। जिस तरह मैं आपको एक एक फार्मूला दिखाता हूँ, अगर आपने सेम उसी तरह एक एक फार्मूले को फॉलो किया तो कोट की फिटिंग सुपर आएगी ही आएगी। अगर आपने फॉलो ही नहीं किया, सिर्फ कटिंग देखकर ही उसमें अल्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया, तो वो तो कोई भी कर सकता है। सबसे आसान काम है दूसरों के काम में अल्ट्रेशन निकालना। अब दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा तिस्मार खान तो नहीं हूँ, जितना मुझे आता है, थोड़ा बहुत आता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी काम का, किसी भी काम का एक तरीका नहीं होता है, एक कोट
एक ही तरीके से नहीं कटता है, इसके कटिंग करने के कई सारे तरीके हैं। मुझे बहुत सारा तरीका तो नहीं आता है, बट जो भी मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किसी भी काम का एक तरीका नहीं होता है, हर तरीका अपनी अपनी जगह पर सही है। वीडियो देखकर अल्ट्रासाउंड निकालने से अच्छा है कि एक बार आप इसको ट्राई कीजिए जिस तरह मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको मेरे कटिंग को फॉलो करना है या नहीं करना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्किंग पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो हम इसको वापस जो है फिर इस तरह कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरह हमने फोल्ड करके एक साइड पीस का मार्का लगाया था, क्योंकि इसमें दो साइड पीस नहीं आएगा, ये 42 साइज है और ये डबल ब्रेस्ट है। दूसरा वाला जो साइड पीस है वो हम स्लीव की कटिंग करने के बाद, यानी बाजू कटिंग करने के बाद उसको छाप लेंगे। तो दोस्तों आप एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हमारा मार्किंग है इसमें हमारा स्टिच आएगा, तो आपको मार्जिन छोड़ के कट करना है, तो आप ऐसे मार्जिन छोड़ के कट कर लीजिए या फिर आप इसमें मार्का लगा के कट कर लीजिए। चलिए मैं आपको मार्का लगा के दिखाता हूँ, जितना हम हमारा मार्जिन छोड़ कट करेंगे उतना देखिए इस तरह आपको मार्का भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरह से आप मार्का लगा लीजिए, और यहाँ भी देखिए यहाँ हमारा इतना छोड़ के कटिंग करेंगे, तो यहाँ भी आप इस तरह मार्का लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। मैंने आपको दोनों तरीका दिखा रहा हूँ इस तरह से, और इस मार्का में हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, तो इस तरह आपको इस मार्किंग में कटिंग कर लीजिए। ये जो हमने मार्किंग आपको लगा के दिखाया है इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ राउंड कटिंग करना है तो आप यहाँ इसको इस तरह से राउंड कर लीजिए, देखिए इस तरह से आप यहाँ इसको राउंड कर लीजिए। अगर आपको राउंड कटिंग करना है तो मैं राउंड कटिंग नहीं करूँगा, तो मैं इसी तरह कटिंग करूँगा, तो आप देख लीजिए मैं आपको दोनों तरीका दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ आपको हाफ इंच आधा इंच मार्जिन छोड़ के कट करना है। उसके बाद आप यहाँ एक इस तरह इसको कट लगा लीजिए, ये हमारा पेट डॉट कटिंग होगा, तो आप इसको इस तरह कट लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इस पर कटिंग होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कटिंग हो चुका है, ये इस तरह से आएगा, ये लेपल हमारा इस तरह से टूटेगा। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। चलिए मैं आपको साइड पीस भी कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा साइड पीस है, और हम स्लीव की कटिंग करेंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान दबाइए और ऑल पे कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो